धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। पुराणों के मुताबिक ऐसा करना शुभ माना जाता है। हालांकि सोना खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता, इसके चलते लोग इस मौके पर ज्यादातर चांदी के सिक्के और बर्तन खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाली चांदी मिलावटी या नकली भी हो सकती है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले चांदी के सिक्के, बार, बर्तन और गहने की प्योरिटी चेक करने के मापदंड को जान लेते हैं। चांदी कितना प्योर है, ये इसका पता चांदी के फाइनेंस से चलता है। चांदी के ग्रेड के अनुसार चांदी की फाइनेंस तय की जाती है। इस फाइनेंस को 999, 925, 900 जैसे नंबर से मापा जाता है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स तय करता है, जिसका मतलब है कि चांदी के पार्ट्स पर 1000 में से 999 पार्ट्स चांदी हैं, बाकी कोई और मेटल है। इसी तरह 925 की फाइनेंस यानी 92.5% पार्ट्स चांदी है, बाकी कोई और मेटल। इस तरह आप ग्रेड या फाइनेंस के आधार पर चांदी की प्योरिटी चेक कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल है कि क्या चांदी के गहने बर्तन में हॉलमार्क चेक करना जरूरी है? सोने की तरह चांदी पर हॉलमार्क जरूरी नहीं, लेकिन बाजार में हॉलमार्क वाली चांदी भी मिलती है, इसे आप खरीद सकते हैं। चांदी की हॉलमार्किंग भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स तय करता है। इसके अलावा असली चांदी पहचानने के लिए शुद्धता, प्योरिटी ग्रेड या फाइनेंस, हॉल मार्किंग सेंटर का आइडेंटिफिकेशन मार्क या नंबर, ज्वेलरी का आइडेंटिफिकेशन मार्क या नंबर जरूरी होता है। ज्वेलरी की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज, हॉल मार्किंग चार्ज और GST भी बिल में ऐड होते हैं। इसलिए अगर आपको पता होगा जो चांदी आप खरीद रहे हैं उसकी एक्चुअल कीमत क्या है, तो आपके साथ किसी भी धोखे की गुंजाइश भी कम होगी। साथ ही हमेशा चांदी खरीदने के बाद बिल जरूर लें। आजकल मार्केट में नकली चांदी भी मिल रही है। इसमें 99% तक गिलेट या जर्मन सिल्वर मिला होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी की जगह तांबा, निकल और जस्ता मिला होता है। इस पर चांदी की परत चढ़ाकर बेचा जाता है। ये देखने में बिल्कुल चांदी के जैसा होता है। नकली चांदी की पहचान करने के लिए मैग्नेट यानी चुंबक टेस्ट करें। अगर चांदी चुंबक की तरफ खिंच जाती है तो समझ लीजिए कि ये नकली है। अगर असली चांदी को पत्थर पर घिसने से सफेद लाइन बनती है, इसकी जगह अगर पीली लाइन बन रही है तो समझ लीजिए वो नकली है। आइस यानी बर्फ के टुकड़े पर चांदी रखने पर बर्फ बहुत तेजी से पिघलती है। इस ट्रिक से भी नकली चांदी की पहचान की जा सकती है। साथ ही स्टोन लगी सिल्वर ज्वेलरी या पुराने सिक्के खरीदते वक्त कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि ऐसी ज्वेलरी खरीदे तो ये कंफर्म कर ले कि स्टोन का वजन और सिल्वर का वजन बिल पर अलग अलग लिखा हो। अगर किसी जेम्स स्टोन के साथ सिल्वर पहनना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को अपने साथ जरूर ले जाएं, जिसे जेम्स की अच्छी समझ हो। कई लोग पुराने सिल्वर के सिक्के खरीदना भी पसंद करते हैं। अगर पुराने सिक्के खरीद रहे हो तो ये जरूर चेक करें कि सिक्के पर लिखा हुआ साल बिल पर भी मेंशन हो। इसके अलावा कई लोग पुरानी ज्वेलरी बेचकर उसके बदले नई ज्वेलरी खरीदते हैं। ऐसा करने की सोच रहे हैं तो ज्वेलर से वाई बैंक पॉलिसी के बारे में पता करें और हमेशा ज्वेलरी का बिल संभाल कर रखें। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ।